हेलो गाइस, आप सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और अगर आप करण वंश व्लॉग्स पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना प्लीज़। तो अभी टाइम हो चुका है, 8:19 का टाइम हो चुका है और मैं उठ लिया था, 7 बजे उठ लिया था। और फिर 7 बजे उठ करके मैंने ब्रश किया, तो देन उसके बाद मैं अपने कमरे पे आ गया और मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं कंप्यूटर सीखूँगा, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बेसिक पढ़ रहे हूँ, जैसे ओ लेवल क्या है, मतलब ओ लेवल के बारे में ही पढ़ रहे हूँ, कैसे कितने पेपर आते हैं ओ लेवल में, है ना। अगर आपको पता हो तो कुछ आप अपनी राय दे सकते हैं मेरे को, है ना। तो मैं तो ये देख रहा था कि ओ लेवल में मतलब कितने पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर कितने होते हैं और थ्योरी के नंबर कितने होते हैं, और कितने परसेंट मार्क्स हमें अचीव करने होते हैं। तो मैं ये देख रहा था, तो अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं देख लेता हूँ एक बार इसको। तो अभी टाइम हो गया 8:50, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उसका कंप्यूटर का पढ़ रहा था। तो इसमें अब मैंने देखा कि MS पेंट, जैसे बेसिक कंप्यूटर है ना, MS पेंट, जैसे पेंट है, पेंट में पेंट करना हमें, है ना, कोई भी जैसे नाम लिखना है या पेंट करना, कोई भी डिज़ाइन बनाना है, तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं पेंट में से, जैसे पेंसिल, इरेजर, कलर, वॉटर मार्क, जैसे क्रेयन कलर, कई तरह के कलर होते हैं, जैसे साइज इंक्रीज और डिक्रीज, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से साइज इंक्रीज होता है, कंट्रोल माइनस से साइज कम होता है ना। डेस्कटॉप पे कैसे सेव करते हैं और शेव कैसे करते हैं ना, तो ये सब भी मैंने आज MS पेंट में सीख गया। तो बाकी 11 बजे अपना सेंटर है कंप्यूटर में, तो 11 बजे, 11 से 1 बजे का टाइम है, तो 11 से 1 बजे में और अच्छे तरीके से इसको हम देखेंगे, इसको हम करेंगे। A few moments later. टाइम हो चुका है 10:20 का टाइम हो चुका है और मैंने खाना खा लिया था बस अभी अभी खाया था, ये लगभग 10 बजे के आसपास मैंने खाना खा लिया था, है ना। तो अब टाइम हो चुका है 5:33 और मैं अपने कमरे पे बैठा था और पढ़ाई कर रहा था। मैं आ गया कंप्यूटर सेंटर से भी आ गया था मैं, तो आज मैडम ने थ्योरी करवाई थी कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन, बाइनरी फंक्शन, जो कोड कोड वर्ड होते हैं 0 और 1, जैसे ये है ना, ये टाइप्स कुछ, और CPU के बारे में बताया था, इनपुट डिवाइस आउटपुट जो डिवाइस है इसके बारे में बताया था। तो अभी मैं एक बार इसको थोड़ा बहुत देख लूँगा। तो मैं ना अभी विश्वकर्मा चौक तक जा रही हूँ, कुछ काम है, क्योंकि मुझे गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। गाड़ी क्यों लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि जो गाड़ी की जो फोग लैंप है, जैसे फोग लैंप है लेफ्ट वाली, तो वो उसकी तार वगैरह हिल रही है। तो एक बल्ब, जो मेन वाला बल्ब है, दो बल्ब होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, जो बड़े वाला बल्ब है ना वो चल नहीं रहा, मतलब
फोन नहीं हो रहे हैं तो फ्यूज हो रहे हो गए, पहले भी गए थे पैसे दे दिए थे तो मतलब कार वगैरह ही खड़ी होगी तो मतलब चेक करवा के आना है तो चेक करवाया तो मैं अंदर अभी ना मेरे पास केरला से फ़ोन आया हुआ रॉन्ग नंबर था तो अभी अपा उनके साथ प्रैंक करते हैं, प्रैंक मतलब केरला भाषा में बात करते हैं उनके साथ जैसा भी अपने को आता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने अनुसार अपा बात करके देखते हैं। ठीक है, बोल है जोए पनादमन के नाम से। कॉल लग गई है। हेलो वेलकम 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 वेरकम थेरेकम पैरेकम वेरकम अनिल वा वेरकम पियकम चालुवाणी वेरकम अनिल वा वेरकम अनिल वा वेरकम अनिल वा वेरकम वेरकम तो हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास भाई करण सर में आपका स्वागत। तो हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो टॉपिक का नाम है हेड बनाने सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या है टॉपिक का नाम? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है ना। तो हम शुरू करेंगे कि सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है। तो जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार आप वो ध्यान से देखिएगा है ना। और आपकी एनसीईआरटी जो बुक है वो भी खोल के बैठ जाइए। तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम हेडिंग आइए। तो देखिएगा क्या बोलता है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। देखिएगा क्या बोलता है। लेट अस कंसीडर द सिस्टम वेयर सॉलिड सब्लिक टू वेपर फेज। क्या है सिस्टम? है सिस्टम सॉलिड सब्लिक टू पर फेज। ठीक है, सॉलिड सब्लिम टू वेपर फेज।
इफ ही प्लेस सोलिड आयोडीन इन अ क्लोज वेसल, तो हमने एक क्लोज वेसल ले लिया फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्लोज वेसल, क्लोज वेसल ले लिया और इसके अंदर क्या है, सोलिड आयोडीन है ना, तो क्लोज वेसल है और इसके अंदर क्या है, सोलिड आयोडीन है ना। तो आगे देखिएगा, इन अ क्लोज वेसल आफ्टर सम टाइम द वेसल गेट फिल, और आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम बी वेसल फिल्ड, तो कुछ समय बाद जो यह वेसल है ये क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, मतलब पूरी तरह से भर जाता है, क्लियर है। आगे देखिए, विद वोलेट वेपर एंड द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज विद टाइम, इसके साथ वोलेट वेपर और जो इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज विद टाइम, वो जो इंटेंसिटी है किसकी, कलर की, वो क्या हो जाती है, समय के साथ साथ बढ़ती रहती है, यानी कि इंक्रीज होती रहती है ना, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज विद टाइम, क्लियर है। आगे देखिएगा, आफ्टर सर्टेन टाइम द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम कॉन्स्टेंट, After curtain time, मतलब कुछ समय बाद, पहले तो यह है कि हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, क्लियर है, कुछ समय बाद जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट, यानी कि वहीं पर स्थिर हो जाती है, कॉन्स्टेंट रह जाती है ना। After curtain time the intensity of कलर रिमेंस कॉन्स्टेंट, वहीं पर स्थिर हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, ठहर जाती है। एंड इक्विलिब्रियम अटेन्स, और अगर वहां पर ठहर गई तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम की अवस्था क्रिएट हो जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम वहां पर क्रिएट हो जाता है। आगे देखिएगा, हैं सोलिड आयोडीन सब्लीम टू गिव आयोडीन वेपर, क्या बोलता है, सोलिड सब्लीम्स टू गिव आयोडीन वेपर, सब्लीम्स इक्विलिब्रियम आयोडीन सोलिड आयु, क्लियर है, नाम से देखिएगा एक बार, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सोलिड वेपर इक्विलिब्रियम, इसके अंदर हमने क्या किया, सोलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है ना, क्लियर है। तो देखिएगा, हमने एक क्लोज वेसल ले लिया, इसके अंदर सोलिड आयोडीन है, यह पूरी तरह से
फेल है, तो आफ्टर सम टाइम भी वैसे फेल इसने बोला या पूरी तरह से फेल हो जाएगा, भर जाएगा, तो क्या होगा आगे, क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज हुई।